मेरी YouTube फैमिलीज, तो कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप अच्छे ही होंगे। तो मैं निशा स्वागत करती हूँ अपने चैनल निशा ने क्या बनाया है। मैं तो यहाँ पे आ गई हूँ मैं किचन में। शाम का वक्त हो रहा है, लगभग 5:30 बजे का, और हो रही है जोरों की बारिश। तो सबसे पहले बड़ों को प्रणाम और छोटों को हाय। तो जब भी मेरे यहाँ बारिश होती थी ना, यानी कि मेरे मायके में, तो मेरा भाई बोलता था चलो कचरी बनाओ। तो आज मैंने सोचा चलो कचरी बनाया जाए, क्योंकि बारिश हो रही है, बोलने वाला तो कोई नहीं है, लेकिन मैंने सोचा चलो कचरी बनाया जाए, बच्चे भी खा लेंगे और शाम को जो भूख लगती है ना बच्चों की, वो भी शांत हो जाएगी। तो यहाँ पे ना मैंने मीडियम साइज़ के 2 प्याज ले लिए हैं। तो ये 2 बच्चे और मेरे खुद के लिए है, मान लीजिए सिर्फ बच्चों के लिए। मैं तो एक दो, मतलब मेरे लिए तो 1-2 ही बच्चे थे जब मैं वॉइस ओवर कर रही थी। तो यहाँ पे 2 मीडियम साइज़ के प्याज को मैंने इस तरह से पतले पतले स्लाइसेस में कट कर लिया है। अगर टेढ़ा मेढ़ा भी कटेगा तो कोई बात नहीं, मुझसे भी बिल्कुल परफेक्ट नहीं कटता है चाकू से। तो यहाँ पे मैंने ना 2 मिर्च भी ले लिए छोटे साइज़ के, बहुत ज़्यादा तीखा नहीं है, आप बच्चों के हिसाब से बनाएं। तो ये मिर्च जो है ना, बिल्कुल खिच्चा कहते हैं ना जिससे, तो छोटे साइज़ का है तो ये बिल्कुल भी तीखा नहीं है। तो इसे ले लिया एक मैंने बड़े कटोरे में, यानी कटोरा में, जिस में डालने के बाद इसके जो लच्छे हैं ना, यानी कि एक एक पीस को ना हम एकदम हाथों से इस तरह से दबाते हुए अलग कर देंगे, बिल्कुल जैसे इसका एक एक पीस है ना वो अलग हो जाएगा। तब जब हम इसका कचरी बनाएंगे ना, तो इसका स्वाद बिल्कुल अच्छे से आएगा और इसका जो मतलब लुक होगा ना वो बहुत ही अच्छा आएगा। और यहीं पर डाल दें उसमें नींबू, तो नींबू से ना इसके अंदर ना चटपटा सा फ्लेवर आएगा, खट्टा खट्टा सा, जो कि बहुत ही टेस्टी लगेगा। तो इसको अच्छे से मैंने छुड़ा लिया है, और तीखेपन के लिए तो हमने थोड़ी सी मिर्ची डाली है। तो मिर्ची की क्वांटिटी आप बढ़ा सकते हैं तीखेपन के हिसाब से, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे डाल दिया है मैंने 2 चम्मच बेसन, और वहीं पे डाला है 2 चम्मच सूजी। सूजी हम क्रिस्पीनेस के लिए, यानी कि क्रिस्पी होने के लिए डाल रहे हैं। और वहीं पर डाल रही हूँ 1/4 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, और उसी के साथ डाला है 1/4 चम्मच गर्म मसाला पाउडर, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, और स्वाद अनुसार नमक। और उसके साथ ना 2 चुटकी हींग डाल रही हूँ, ताकि ना हमें खाने के बाद कोई दिक्कत ना हो। तो उसके बाद डालने के बाद ना हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। और हाँ, बेसन की क्वांटिटी ना कभी कभी प्याज पे निर्भर करती है, कभी कभी हमारा प्याज जो है ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है, तो उसमें थोड़ी सी ज़्यादा बेसन लग सकती है, या फिर अच्छे से बाइंडिंग नहीं होता है तो थोड़ा बेसन आप ज़्यादा डाल सकते हैं। बाकी अभी सफिशियंट था 2 प्याज के लिए। तो वहीं पे थोड़ा थोड़ा पानी लेते हुए, यानी कि 2-4 चम्मच पानी लेते हुए, हम इसका जो है ना, मतलब कचरी के लिए जो भी कह सकते हैं इसको, बैटर घोल जो भी, ना एक तो है ना ये डो है, ना बैटर है, ना घोल है, कचरी के लिए जो हम बनाते हैं ना, फेंटते हैं बेसन को, बस वही है। तो इस तरह से बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लेंगे, बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है, बहुत ज़्यादा टाइट नहीं करना है। तो इस तरह का हमें बैटर बनाना, और बहुत ही स्वादिष्ट लगता है, यकीन मानिए। हमारे यहाँ ना ये 1 रुपये के 1 पीस देते हैं कचरी। आपके यहाँ इसको क्या बोलते हैं आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, वीडियो पूरी देखने के बाद। और ये भी रख दिया है मैंने कढ़ाई सुबह की, जो हमने यानी कि दोपहर की जो हमने खिचड़ी बनाया था ना, तो इसमें चोखा फ्राई किया था, उसके बाद मैंने धुला नहीं, क्योंकि हम तो बस बर्तन को मतलब कम लगाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि कढ़ाई हमारा गंदा नहीं था। और फिर कढ़ाई चढ़ाने के बाद, कढ़ाई गर्म होने के बाद डाला मैंने उसमें ऑयल, सरसों का तेल डाला, यानी कि मस्टर्ड ऑयल डाला है। और तेल जैसे ही गर्म हो गया ना, हम उसमें डालेंगे ये जो बैटर हमने बना के रखा है ना, इस तरह से जैसा आप चाहें ना वैसा डाल सकते हैं। तो मैं छोटे छोटे मतलब हाथों से दे रही हूँ, गोल टाइप से ही हो रहा है, बिल्कुल जैसे मन आप वैसे डाल सकते हैं। तो फटाफट से ना एक बैच में जितनी आ सकेगी मैंने उतनी डाल दी है। तो हाथ को भी धुल लेती हूँ यहाँ पे, और कौन कौन इस तरह से पोंछता है अपने कपड़ों में मुझे कमेंट में बताइएगा। और यहाँ पे जब एक साइड से थोड़ी सी सिक जाए ना, लगभग 1 मिनट लगभग सिक जाए, 1 या 1.5 मिनट, तो फिर हम ना उसे इस तरह से पलट देंगे। बहुत ज़्यादा अभी इसे नहीं पकाना है, नॉर्मली जैसे मतलब नॉर्मल हम पकौड़े पकाते हैं ना दही वाले के लिए, कढ़ी के लिए, वैसा ही पकाना है, बस हल्का सा 1-2 तो थोड़ा ज़्यादा भी हो गया जो बीच में था, क्योंकि तो बीच में हीट ना थोड़ा ज़्यादा लगता है। और सारा काम हम ना लो टू मीडियम फ्लेम पे करेंगे, हाई पे नहीं करेंगे। हाई कभी कभी हम तब करते हैं जब हमारा ऑयल गर्म नहीं होता और हमें जल्दी में करना होता है। और यहाँ पर देखिए अच्छे से सिक गया है। तो इस कचरी को ना, यानी कि अभी जो पकौड़े हमने बनाए हैं, इसे मैंने लगभग 3 से 4 मिनट से ही सेका है,
लो टू मीडियम फ्लेम पे, और ये देखिए इस तरह का ये कुछ हो गया है। और ऑयल को ना लो फ्लेम पे छोड़ देंगे और पहले इसका नेक्स्ट बैच के काम कर लेंगे, यानी कि नेक्स्ट जो इसका प्रोसेस है ना वो कर लेंगे। तो इस तरह से मैंने लिया है एक प्लेट, और प्लेट में रख रही हूँ कचरी, जितनी आ सके मैंने उतनी रख ली है। और फिर से लेंगे हम दूसरा प्लेट। आप ये काम हाथों से भी कर सकते हैं अगर आप ये काम बाद में कर रहे हैं, इतना प्रोसेस आप करके रख सकते हैं। अगर आप खिलाना आपको लेट से है या गेस्ट आने वाले हैं तो आप वो काम करके रख सकते हैं, मतलब इतने प्रोसेस तक या इससे पहले तक पकौड़ी छानने तक। उसके बाद आप हाथों से भी इसे दबा के या पेपर के नीचे दबा के इस तरह से बाद में फ्राई कर सकते हैं, जिस वक्त मेहमान आए या खुद का खाने का मन हो बाद में, पहले से उतनी तैयारी करके आप रख सकते हैं। तो इस तरह से मैंने उसे दबा दिया था और उसके बाद फिर से उसे डाल दिया है ऑयल में। तो बस फिर से ना हमें मीडियम टू लो फ्लेम पे ही उसे फ्राई करना है ताकि वो अच्छे से ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट हो सके। और तब तक जब तक वो क्रिस्पी हो रहा है ना, यानी कि अच्छे से पक रहा है, सुनहरा हो रहा है, तब तक हम दूसरे जो बैचेस वाले थे ना उसको भी इस तरह से दबा लेंगे ताकि दूसरा काम भी हमारा जल्दी जल्दी से हो जाए। तो यहाँ पे मैंने दूसरे बैच को भी पूरा, मतलब दूसरे तीसरे सारे बैच को अच्छे से दबा लिया। और आप देखिए इसी तरह से प्लेट से दबाएं या पेपर के बीच में डाल के ही दबाएं। और इसी के साथ ना, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगेगी ना तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए आए होंगे ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो यहाँ पर फिर से उसको दोनों साइड से ना डेढ़ डेढ़ मिनट मैंने अच्छे से सेक लिया था, और दोनों साइड से अच्छे से इस तरह से कलर आने के बाद, यानी कि सुनहरा कलर आने के बाद, उसे हम निकाल लेंगे। और दूसरे बैच को भी फिर इस तरह से, तो दूसरे बैच में मैंने दो बैच का डाल दिया था, यानी जितने आए थे, क्योंकि अभी ना बस ऊपर ऊपर से ही पकाना होता है अच्छे से, क्योंकि अंदर से तो ये हमारा पका हुआ है। और ये देखिए मतलब कितने जल्दी फटाफट से बन के तैयार हो रही है ना। तो यहाँ पे मैंने ना सारा निकाल लिया था, और देखिए कितनी अच्छी बन के तैयार हुई। आप इसको सॉस के साथ, धनिया की चटनी के साथ, पुदीने की चटनी के साथ खाएंगे ना, बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। और बारिश तो हो ही रही है, इसका मज़ा दुगना हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारी तैयार हो गई है सर्व करने के लिए, और मैं आपको सर्व करके भी दिखा रही हूँ। तो हमारी कचरी बन के तैयार है। आपके यहाँ इसे क्या कहते हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ये देखिए इसका जो साउंड है ना वो कितना क्रिस्पी है ऊपर से, और इसको मैं अंदर से भी दिखाती हूँ कि ये अंदर से कितना मतलब सॉफ्ट है और ऊपर से क्रिस्पी है, और टेस्ट भी बहुत ही लाजवाब था। तो यहाँ पे हमारे जो कचरी है ना वो बनके तैयार है। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए आप भी ये टेस्ट कीजिए, और तब तक के लिए बाय। और यहाँ पे बारिश हो रही है आपके यहाँ से, मतलब किसके किसके यहाँ बारिश हो रही है कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि बहुत गर्मी हो रही थी ना, तो थोड़ा सा बारिश से ना अच्छा मौसम हो रहा है, और बच्चे भी खूब इंजॉय कर रहे हैं इस मौसम में, आप देख सकते हैं।